ओके, तो आप डिस्कस करते हैं डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में कि डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह है, ठीक है। तो आपने नोट करें, देखिए ये डायमंड है, ये हार्ड सब्सटेंस है, ठीक है। ये आपने नोट करें कि ये डायमंड क्या है, ये एक हार्ड सब्सटेंस है। और ये कहां पे पाया जाता है, ये जो डायमंड है ये लार्ज अमाउंट में ब्राजील और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है, क्लियर हुआ। तो आप इसे नोट करें, ठीक है। देखिए इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, ये लार्ज अमाउंट में मौजूद होता है ब्राजील में और साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, ये ब्राजील और साउथ अफ्रीका में लार्ज अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, क्लियर हुआ। देखिए डायमंड में हर एक कार्बन कोवेलेंटली बॉन्डेड है फोर अदर कार्बन के साथ, और ये बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर हुआ। ये क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाता है, ठीक है। तो आपने सब नोट करें, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का क्या मतलब है वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आपने सब नोट करें, इन डायमंड ईच कार्बन, डायमंड में हर कार्बन एटम जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है किसके साथ, ठीक है। ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है टू फोर कार्बन के एटम्स के साथ, और ये बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये डॉट शो कर रहा है कार्बन एटम्स, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब इसका टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। ये क्या है, टेट्रागोनल ज्योमेट्री है, क्लियर हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, क्लियर हुआ। ये हमारे पास क्या है, कार्बन एटम है, और ये कोवेलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है फोर कार्बन के साथ। कितने कार्बन के साथ ये बॉन्डेड है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ये फोर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है। और ये जो ज्योमेट्री है, ये क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्रा मींस फोर, ठीक है, टेट्रा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर हुआ। तो आप इसे नोट करें, इसने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बनाया है, ठीक है। जब हर कार्बन डायमंड में कोवेलेंटली बॉन्ड होता है फोर अदर कार्बन एटम के साथ, तो ये बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये हमारे पास क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, क्लियर हुआ। तो आप इसे नोट करें, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इन टर्न ईच कार्बन एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू फोर अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये जो फोर कार्बन एटम्स है, क्लियर हुआ, तो ये आगे जाकर फोर अदर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपने इसे नोट करें, क्लियर हुआ। मैं आपको इसका जो स्केच है इसमें मैं आपको क्लियरली शो करता हूं, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं, दस द स्ट्रक्चर एक्सटेंड इन थ्री डायमेंशनल, और ये जो स्ट्रक्चर है तो फिर ये एक्सटेंड होता है थ्री डायमेंशनल, ठीक है, मेकिंग इंटरलॉक स्ट्रक्चर, और ये एक इंटरलॉक स्ट्रक्चर बनाता है। इंटरलॉक का क्या मतलब है, इंटरलॉक का मतलब है मजबूत, ये मजबूत स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। तो आपने सब नोट करा है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं, द कोवेलेंट बॉन्डिंग इन डायमंड इज स्ट्रॉन्ग, ये जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है डायमंड में, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है, एंड ऑक्युपाई, और ये ऑक्युपाई करते हैं फिक्स पोजीशन, क्लियर हुआ। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, ये एक कार्बन एटम्स है, ये डॉट शो कर रहा है कार्बन एटम्स। तो ये जो हमारे पास कार्बन एटम है, इसका ये जो पोजीशन है, ये क्या है, ये फिक्स है, क्लियर हुआ। तो आप इसे नोट करें, और इस वजह से डायमंड हार्ड है, क्लियर हुआ, क्या है, हार्ड है, एंड नॉन कंडक्टर। डायमंड क्या है, ये क्या है हमारे पास, ये नॉन कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी वजह से ये नॉन कंडक्टर है, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो इस वजह से डायमंड क्या है, तो इस वजह से नॉन कंडक्टर। ओके, तो आप डिस्कस करते हैं कि आपने डायमंड का स्ट्रक्चर किस तरह ड्रा करना है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है, ठीक है, मैं आपको आसान तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए डायमंड में हर कार्बन एटम फोर अदर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, और ये बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो आपने नोट करें, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह, ठीक है, ये क्या है,
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है कार्बन एटम्स, ये डॉट शो करते हैं कार्बन एटम, ठीक है, ये शो करते हैं कार्बन एटम डॉट, क्लियर हुआ। तो ये जो कार्बन एटम है ये फोर अदर कार्बन के साथ कोवेलेंटली बॉन्ड होता है, ठीक है, और ये बनाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, हमारे पास क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो यहाँ ये क्या है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये अपने साथ नोट करें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इस तरह ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। और इसमें ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये सारे कितने हैं 109.5, क्लियर हुआ, ये 109.5 एंगल है, ठीक है, ये सारे एंगल कितने हैं 109.5 है, ठीक है। और ये बॉन्ड क्या है, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, क्लियर हुआ। तो अपने साथ नोट करें, ओके। तो अब आपने किस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक कार्बन है, ठीक है, ये एक क्या है कार्बन एटम है, ये डॉट, ठीक है, और ये बॉन्डेड है फोर अदर कार्बन एटम के साथ कोवेलेंटली, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, एक ये है, सेकेंड वन इज दिस वन, ठीक है, थर्ड वन इज दिस वन एंड फोर्थ वन इज दिस वन, क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ठीक है, ये स्टेप नंबर वन है, स्टेप नंबर वन, ठीक है। स्टेप नंबर टू में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपने ये करना है कि थ्री लाइन आपने ड्रॉ करना है, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है, ठीक है, और इसके साथ ये क्या है, ये है कार्बन एटम्स, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि इसका आपने टेट्राहेड्रॉन आपने कंप्लीट करना है, ठीक है, इसका टेट्राहेड्रॉन आपने कंप्लीट करना है, मैं आपको स्टेप वाइज बता रहा हूं, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं एक ये है, ठीक है, कार्बन एटम, सेकंड वन इज दिस वन, ठीक है, थर्ड वन इज दिस वन, ठीक, क्लियर हुआ। अब बारी है इसका तो टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट हुआ, आपने ये वाला इसके साथ जुड़ना है, ठीक है, क्लियर हुआ, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा, ठीक, क्लियर हुआ। इसके साथ आपने ये जुड़ना है, ठीक है, और एक ये रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, ये वाला थोड़ा सा नीचे बना देता, ठीक है, थोड़ा सा, क्लियर हुआ, ओके। अब फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में आपने सिक्स लाइन ड्रा करना है, ठीक है, सिक्स लाइन, क्लियर हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक ये है थोड़ा सा छोटा, एक ये है थोड़ा सा लंबा, और ये वाला थोड़ा सा और लंबा। क्लियर हुआ? एक ये है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। सिक्स लाइन है। ये क्या है इसके साथ? ये है कार्बन एटम्स। क्या है? कार्बन एटम्स है। ये भी कार्बन एटम्स है, 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 ये भी कार्बन एटम। ठीक है, क्लियर हुआ? फिफ्थ स्टेप में आपने क्या करना है? फिफ्थ, अब इसका आपने टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट करना है। फिफ्थ में टेट्राहेड्रॉन आपने इसका कंप्लीट करना है। ठीक है, फिफ्थ स्टेप में सेम एज थ्री। ठीक है, ओके, यहां पर आप देख सकते हैं फर्स्ट इसका कंप्लीट कर रहे टेट्राहेड्रॉन। ठीक, क्लियर हुआ? और एक लाइन, ठीक है, ठीक, क्लियर हुआ? अब बारी इसका, ये वाला आपने इसके साथ जुड़ना है। ठीक है, एक ये रहा, क्लियर हुआ? और सेकंड वन इसके साथ पैरा। ठीक है, क्लियर हुआ? पता गई समझ में? ठीक है, अब बारी इसका, इसका अपने टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट करना है। इसका अपने इस तरह के ये वाला इसके साथ अपने जुड़ना है। एक ये और थर्ड वन ये वाला। ठीक है, थर्ड वन ये रहा। अब बारी किसका? बारी इसका। ठीक है, ये और ये इसके साथ अपने जुड़ना है। क्लियर हुआ? ठीक है, इसका टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है। बारी है इसका, इसका टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट करना है। इसका टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट इस तरह करना है, ये वाला इसके साथ अपने जुड़ना है। ठीक है, एक ये रहा, ठीक है, और एक ये रहा। ठीक है, क्लियर हुआ? पता गई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने ये करना है, ठीक है, कि इसका टेट्राहेड्रॉन कंप्लीट करना है। ये वाला इसके साथ आपने जुड़ना है, ये वाला आपने इसके साथ जुड़ना है, और एक रहा ये। तो ये हमारे पास क्या है? ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, और ये अगेन एंड अगेन रिपीट होते हैं। ठीक है, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है। क्लियर ना? कि अपने साथ नोट करें कि ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, रिपीट। ठीक है, ये अगेन एंड अगेन रिपीट होता है, लेकिन यहां तक काफी है। ठीक है, तो अपने साथ नोट करें। ये रहा किसका स्ट्रक्चर? ये रहा डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अपने साथ नोट, बहुत आसान है, इस पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक है, आई होप दैट योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर अबाउट डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपने किस तरह डायमंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपने सब नोट करें। क्लियर हुआ? ठीक है, ओके, ये आपने सब नोट करें।